फ्रेंड्स, आज मैं टमाटर और कोरिएंडर का एक अच्छा चटनी बना के दिखाती हूँ जो बहुत इजी एंड सिंपल है। थोड़ा टमाटर काट लिया, प्याज काट लिया, लहसुन काट लिया, यहाँ पे थोड़ा धनिया, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च ले लिया। एक इस चीज़ से, इस सिंपल चीज़ से एक अच्छा चटनी बना के दिखाती हूँ। आप कुछ भी चीज़ के साथ इसको खाइए, बहुत टेस्टी है। जैसे रोटी, पराठा, सलाद के ऊपर ड्रेसिंग के लिए ये सब, ये चटनी बहुत अच्छा लगेगा। बस आप अभी रेसिपी देखिए। और पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि हम लोग आजकल सब कोई वेट लॉस के चिंता करते हैं, इसके लिए हम लोग को ज़्यादा तेल खाना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें, इस चटनी में भी ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। बस इसके ऊपर आप लहसुन का कली को छोड़ दीजिए। फिर इसमें ये टमाटर इसको दे दीजिए ऐसे करके। ऐसे करने के बाद इसको एक बर्तन से ढक दीजिए, सॉफ्ट होने तक इसको रहने दीजिए। ऐसे ढक दीजिए जब तक ना ये सॉफ्ट हो जाए। बीच में बर्तन हटा के थोड़ा सा सेंधा नमक दे दीजिए, इससे टमाटर और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हिला दीजिए। फिर इसको ढक्कन से फिर से ढक दीजिए और थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फिर हम इसको बंद कर देंगे। एक मैसर के साथ इसको ऐसे थोड़ा दबा दबा के इसको पीस लीजिए और जो छिलका है उसको अलग से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी, कुछ भी चीज़ के साथ खाइए। एक अभी स्टीम को बंद कर दीजिए। फिर जो ये है पतला पतला जो ऐसे छिलका है इसको सब निकाल के फेंक दीजिए। सावधान से करना, अगर गर्म लगे तो चम्मच से करना। अभी इसके अंदर थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा सा प्याज, मिर्ची तो मैंने पहले ही दे दिया। फिर उसको अच्छे से हिलाइए। हाँ, और दो चीज़ इसके अंदर देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची और धनिया का पाउडर देंगे इसके अंदर, तो ये इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा नहीं, इतना सा, क्या ना ये राजस्थानी मिर्ची है, बहुत तीखा होता है, तो इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करें। थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक तो हम लोग पहले ही दे दिया था, तो इसके बाद और नमक देने का ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट देख लेना, अगर थोड़ा लगे फिर देना, नहीं तो इसमें ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता। बहुत टेस्टी बने। अगर आप चाहे तो और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसके अंदर दे सकते हैं। ये हमारा चटनी बनके रेडी हो गया।